सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आपका स्वागत है। मैं स्टूडेंट बात करने वाले हैं तीन पत्ती पार्टी ऐप के बारे में। अगर आप भी ये ऐप यूज़ कर रहे हैं और आपके फ़ोन में भी ये ऐप वर्क नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी ऐप से रिलेटेड, कोई भी फ़ोन से रिलेटेड, कोई भी बैंक अकाउंट से रिलेटेड, UPI से रिलेटेड, पेटीएम से रिलेटेड, गूगल पे से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी दिक्कत आता है, तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम वहाँ से भी सॉल्व नहीं होती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको जाना है, आपको ऐप से जाना है, आपको बैक ऐप से बैक जाने के बाद में आपको सेटिंग्स ऐप को करना है ओपन। सेटिंग्स ऐप को आप ओपन करेंगे तो आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ करना है स्क्रॉल और ऐप मैनेजमेंट के ऑप्शन पे करना है आपको क्लिक। ऐप मैनेजमेंट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। और तीन पत्ती पार्टी ऐप पर करना है आपको क्लिक। करने के बाद में आपको स्टेप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर ही आपको स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्टोरेज पर क्लिक करके यहाँ पे आपको क्लियर डेटा पे क्लिक करके डेटा कर लेना है क्लियर। डेटा क्लियर करने के बाद में जाना है बैग। बैग जाने के बाद में नीचे आपको परमिशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। परमिशन के ऑप्शन पर करना है क्लियर। तो गाइस यहाँ पर परमिशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ऐप से जाना है आपको बैग, ऐप को करना है ओपन। ऐप को ओपन करने के बाद में आपको अकाउंट को करना है लॉगिन। अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो हो जाएगी सॉल्व। तो इसी टाइप से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।